अस्सलाम वालेकुम जी, मैं थोड़ा अपना होस्ट बाबा जी, सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, सेव गुरुद्वारा एंड टेम्पल्स ऑफ पाकिस्तान पंजाब पेज। ये है मेरा पाकिस्तान, खोरे सच संताली दे और सिख पीरियड फुटस्टेप्स इन पाकिस्तान। ए तुसी जिहड़ा गुंबद देख रहे हो, ये बिल्कुल डिफरेंट शेप का गुरद्वारा है। गुरद्वारा मिनहाला दे विच जिहड़ा गुरद्वारा श्री छेवीं पातशाही है, एक बार कैसर साहब हैं जिहड़ा पहले ऑलरेडी एडमिट कर चुके हैं और उन्होंने रिसर्च दे विच भी है कि एक गुरद्वारा साहिब है। कुछ लोग इन्हू सती दा मंदिर मंदिर आर्कीटेक्चर सिख आर्कीटेक्चर है और मंदिर मेरी समझ तो बाहर है कि जिहदा जो दिल करता है वह कहता है। लोकल जिहड़े लोग ने इत्थों वो तमाम लोग मेवात तो माइग्रेट करके आए हैं, उन्होंने भी इस बिल्डिंग के मुतलक कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। उन्होंने वड्डियां कोलों सुनिया, वड्डियां ने लोगों को सुनिया और इत्थे कोई करीब ही कोई जगह है जिथे एक औरत अपने खावन दे नाल सती हुई सी और प्री पार्टीशन तुहानू पता है कि सती होना कोई इन्नी वड्डी गल नहीं सी, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह दे नाल अगर 20 से 40 दे दरमियान औरतां जिहड़ियां ने सती हुई ने, ठीक है, तो इहदा मतलब है कि उत्थे हुण जिहड़ी उह समात खलोती है वह 40 औरतां दी है या 20 औरतां दी है, इस तरह नहीं हो सकता, ठीक है जी। और जिहड़ी चीज़ जिस चीज़ नाल मुंसलिक है उस चीज़ नूं उहदे नाल ही रखना चाहिए, उहदे मतलब न्यू जिहड़ियां ने ऑप्शनस वो देनियां जिहड़ियां बाकी लोगों की जिहड़ी तवज्जो है उहनूं भी डाइवर्ट हुंदा और हिस्टरी भी खराब हुंदी है इस तरीके नाल। तो ब्राहे करम गुरद्वारा श्री छेवीं पातशाही है और छेवें पातशाह सुनन दे विच आया कम अज़ कम 3 वारी इत्थे आ के स्टे कीता सी, उहनां दी याद दे विच जिहड़ा सी इह गुरद्वारा साहिब बनाया गया सी और अपनी तर्ज दा बिल्कुल डिफरेंट गुरद्वारा, लेकिन इत्थों कुछ फासले दे उत्ते तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर के फासले ते सांदा वालिया एक जगह। सांदा वालिया दे मतलब कि मैं तुहानूं जदों उस गुरद्वारे ते जावांगा फिर मैं जाके उहदी डिटेल दसांगा। सांदा वालिया जिहड़ी सी इक मिसल सी और उस मिसल ने समझ लो कि सिख राज दा जिहड़े जनरेशन सी उन्हों ख़त्म करन दे विच सांदा वालिया दा हाथ सी। खैर बाकी मैं उत्थे जाके तुहानूं दसांगा, लेकिन हुण इस वेले मैं तुहानूं गुरद्वारा साहिब दे मतलब थोड़ी जिनी मैं डिटेल दसदा जावां कि गुरद्वारा श्री छेवीं पातशाही छेवें पातशाह जिहड़े ने इत्थे 2 से 3 मरतबा तशरीफ लाए और उन्हां दी याद विच इत्थे जिहड़ी सिख संगत सी उन्होंने यह गुरद्वारा साहिब जिहड़ा सी उह बनाया सी और प्री पार्टीशन बहुत अच्छा सी, इहदे अगे बहुत वड्डा सरोवर सी, उत्थे अजकल स्कूल बनिया होया है और यह जिहड़ी जगह इहदे नाल नज़दीक नज़दीक कमरे भी सन, वह कमरे हुण जिहड़े ने अलोप हो चुके ने, लेकिन यह जिहड़ी निशानी है वह आखिरी गुरद्वारा साहिब दी। क्योंकि देखो गुरद्वारा मांगेट गुरद्वारा जिहड़ा एक ते गुरु मांगेट है और उस तो अलावा एक होर गुरद्वारा है और दरबार साहिब का भी जिहड़ा पुराना नक्शा है सेम स्टाइल दे विच है। फिर उस तो बाद तुसी अगर वह सांदा वालिया जाके देखोगे वह गुरद्वारा टोटली डिफरेंट है। गुरद्वारा अगर बारादरी जाके देखोगे वह इस तो भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस वास्ते यह नहीं कहा जा सकता वक्त और जरूरत के तहत जी गुरद्वारे की शेप जी चेंज होंगी रही है, कितने व्डे बनते रहे कितने छोटे बनते रहे हैं। तुसी देखो अगर यह कोई मंदिर हों तो डेफिनेटली देवी देवताओं की तस्वीर होंगे, जिस तरह के तमाम पंजाब के जोड़े इतने गुरद्वारा ने वैस्ट पंजाब के अंदर उहदे अंदर उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी सी जिहड़ी कि फुलकारी की जाती सी, उन्हों खूबसूरत करके तरीके ने बनाया जाता सी। देखो तुसी यह कंप्लीटली फुलकारी अज भी जिहड़े ने उन्होंने निशानात जिहड़े ने वो वाज़े तौर पर नज़र आते हैं और उत्ते गुंबद तुसी देखो, यह हिंदू आर्कीटेक्चर का नमूना है ही नहीं है। यह देखो हालत बहुत माड़ी है, अंदर टोका लगा हुआ है और ये अंदर जिहड़ा है भौ इकट्ठा किया हुआ है। यह जगह इस वास्ते मैं अंदरों मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं तुहानूं दिखावां, लेकिन उपर वाला हिस्सा जिहड़ा है जिथे कि प्रकाश स्थान हुंदा सी वो कदरे हालत जिहड़ी है हले भी वो बेहतर है। मैं तुहाडा अपना होस्ट बाबा जी, तुसीं देख रहे हो गुरद्वारा श्री छेवीं पातशाही मिनहाला और यह अगे हुण जिहड़ी है जगह आफ्टर पार्टीशन जिहड़ी है इहदी हालत बहुत मंदी हो गई है। मैं तुहानूं दिखांदा जावां, यह देखो सब तो वड्डी यह निशानी है, यह बोर्ड का दरखत बैनियन का ट्री जिहड़ा सी हमेशा सिखिज़म दे विच जिथे भी कोई सरोवर बनाया गया, जिथे भी कोई वड्डा तालाब बनाया गया पानी का या इशनान घाट बनाया गया या कोई उत्थे गुरद्वारे दे नाल है जिहड़ा उत्थे हमेशा ही यह जिहड़ा वो हुंदा रहा है। हुण गुरद्वारा साहिब दे चारे पासे जिहड़े ने डिफरेंट किस्म दे घर बन चुके हुए हैं छोटे, और इत्थे मैं पहले भी दस चुकिया मेवात तो आए हुए लोग जो माइग्रेटेड लोग ने उन्होंने अकोमोडेशनस ने। मैं थोड़ा जिना गली चो थानू व्यू करवा जावा,
देखो किस तरीके ने चारों पासों कवर हो चुकी हैं, मॉडर्न स्ट्रक्चर्स ने, नज़दीक बन गए ने, कार बन गए ने। ये देखो मैं थोड़ा अपना होस्ट बाबा जी, देखते रहो सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, सेव गुरुद्वारा एंड टेम्पल्स ऑफ पाकिस्तान, पंजाब पे जी है मेरा पाकिस्तान, सिख पीरियड फुटस्टेप्स इन पाकिस्तान, खोरे सच संताली दे। और आज मेरे इस सफर दे मेरे नाल ने वीर शुएब रजा साहब और काशिफ कुरकी। हूँ मैं शालीमार बाग कहाँ, काशिफ कुरकी कहाँ, दो एक ही ने। इस जगह तो अगर सरोवर से हूँ स्कूल जोड़ा है, इस पूरी सरोवर की जगह के उत्ते स्कूल बनया हो। मैं थोड़ा अपना होस्ट बाबा जी।